हेलो फ्रेंड्स, सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों, कोविड-19 का जो वेरिएंट है बहुत ही डेंजरस है, बच के रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और कुशल मंगल रहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। और साथियों, सेकंड बात यह है कि इम्पोर्टेंट, आप जिस भी कंट्री में हो, आउट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री में हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइन का थोड़ा सा पालन कीजिए, क्योंकि अपने इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम फाइन है, तो आप इधर उधर से बच सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे फाइन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा मास्क और अपना मास्क लगा के रखिए और जो और भी जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कीजिए। जब जब वहाँ पे जो ओपन मार्केट ओपन होने का टाइम है उसी तरीके से निकलिए, फालतू पुलिस के हाथ ना आए, तो क्योंकि आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है। साथियों, आज बात करेंगे फ्रांस की, कि फ्रांस की मैं आप बोलोगे कि यार एक तो बताने वाला हूँ चीज़ ये हूँ कि भैया गवर्नमेंट हो तो फ्रांस जैसी जो मज़ा आ जाए। दूसरा ये कि साथियों फ्रांस कैसे जाएँ और फ्रांस को गेटवे क्यों बोलते हैं, यूरोप का गेटवे क्यों बोलते हैं, कि भैया यूरोप के रास्ते से हम इजी वे में यूरोप की किसी भी कंट्री में एंट्री हो जाएगी, उसका क्या रीज़न है, मैं सब आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि साथियों फ्रांस है वो एफिल टावर के कारण बहुत फेमस है। फ्रांस को जब जो पेरिस वहाँ का शहर है उसको लव सिटी भी बोला जाता है, प्यार करने वालों के लिए यूँ मानो वो एक पवित्र शहर जैसा है साथियों, क्योंकि हर कोई का जो आजकल लव मैरिज कर रहे हैं कपल, उनका एक ही ड्रीम होता है कि यार मुझे हनीमून पे जाना है तो पेरिस जाना है, लेकिन वीज़ा सेनिगन के अंदर आता है फ्रांस, तो वीज़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन बाकी अदर कंट्रीज से इसकी फायदे वाली बात ये है कि साथियों जो फ्रांस का इमिग्रेशन है ना साथियों वो बहुत इजी है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से बहुत कुछ टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है साथियों। वहाँ पे 25-35% के आसपास जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म सेक्टर से आती है, तो वहाँ पे वो टूरिज्म को इतना, उनका इमिग्रेशन है वो इतना हार्ड नहीं है। आप इंडिया में भी किसी एजेंट से काम करवा रहे हो तो बहुत सारे एजेंट आपको बोलेंगे, या आप खुद भी कर रहे हो तो आपको कोई सजेस्ट करेगा, आप किसी से सजेशन लेते हो तो बोलते हैं कि यार एक काम कर, तू दिल्ली से पेरिस निकल जा या बॉम्बे से पेरिस निकल जा, क्योंकि एक बार फ्रांस पहुंच गए ना तो उसके बाद तो आप बाई लैंड बॉर्डर जो हैं आप बाई बस से या बाई ट्रेन से यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन इसका रीज़न ये है कि एजेंट हो भले ही आप खुद जा रहे हो कैसे भी, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि साथियों जो फ्रांस का इमिग्रेशन है वो बहुत ईजी है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है इमिग्रेशन इतना हार्ड नहीं कर रखा है, वो इतनी पूछताछ नहीं करती है, आपकी जो कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं और आपको इजी वे में निकाल देते हैं अदर कंट्रीज से। बाकी अदर कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन में एशियंस जो लोग होते हैं उनसे बहुत क्वेश्चन करे जाते हैं और इमिग्रेशन से रिपोर्ट करते हैं, तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, आपके पास वहाँ पे बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं कि सर मेरी शादी हुई है, मेरे तो मेरी वाइफ का सपना था, मेरा सपना था कि हम एफिल टावर देखने जा रहे हैं, इसलिए तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप इजी वे में इमिग्रेशन से निकल जाते हो, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड ये है कि साथियों टूरिज्म वहाँ का बहुत बड़ा इकोनॉमी का रोल है, ये नहीं कि यूरोपियन और कंट्री में इकोनॉमी में इसका टूरिज्म का रोल नहीं है, लेकिन है साथियों, लेकिन वो एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग हैं जिनके कारण वो क्या होते हैं वहाँ पे लोग ओवरस्टे हो जाते हैं, इनलीगल रह लेते हैं, TRC के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो क्या है वीज़ा मिल भी जाता है लेकिन फिर भी जो है उनका इमिग्रेशन बहुत हार्ड हो जाता है और डिपोर्ट कर देते हैं, तो फ्रांस की ये सबसे अच्छी बात है। सेकंड में ये कह रहा था कि भाई गवर्नमेंट हो तो ऐसी हो मज़ा आ जाए, तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथियों का पिछले 15-16 महीने से आप देख रहे होंगे दुनिया के हर किसी शहर में, दुनिया के हर किसी देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन फ्रांस की जो गवर्नमेंट ने अभी जो बेनिफिट किया है ना साथियों वहाँ के लोगों के लिए, आपके एज 21 से लेके आप 21 साल से लेके 30 साल के एज के बीच में हैं और आप पिछले लॉकडाउन से घर में हैं, आप भले गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, भले आप पब्लिक सर्विस में हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसी तरीके से वहाँ के नागरिक हो आप, जस्ट दैट्स ऑल 21 से 30 साल के, तो वहाँ की लॉकडाउन गवर्नमेंट ने क्या है अभी लॉकडाउन हटा दिया है और 10 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पे लॉकडाउन हटा दिया है और धीरे धीरे वहाँ की गवर्नमेंट डोमेस्टिक टूरिज्म है जो फ्रांस की वो ओपन कर रही है, और साथ ही साथ साथियों जो वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि आने वाले टाइम में जून तक हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो है हमारे ओपन कर देंगे, और उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑफर ये दिया कि आपके 21 से 30 साल है तो आप दुनिया में कहीं भी जाइए घूमने और आप वहाँ पे उसका 75% जो खर्चा आएगा
वो हम पे करेंगे, गवर्नमेंट पे करेगी, आप उसका ब्यौरा दीजिए और 75% खर्चा जो है गवर्नमेंट पे करेगी। मान लो किसी के 1,00,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो 75,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, 25,000 रुपये आपकी जेब से ही लगेंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ सिलेक्टेड जगह दी हैं साथियों, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने 10,000 जगहें 10,000 जो टूरिज्म पैलेसेस हैं उनको सिलेक्ट किए हैं। तो आप उनका ऑनलाइन वहाँ पे उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप ऑनलाइन ब्यौरा दीजिए कि भैया मुझे इस दिन या इस कंट्री जाना है, तो उसकी टिकट वगैरह आप होटल बुकिंग वाउचर वगैरह जो भी है आप उसमें लगाइए, आपको 75% जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में वहाँ की गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर कर देगी। तो ये थी बात कि भैया गवर्नमेंट हो तो ऐसी, अगर अपन भी इंडिया में कोई बोले कि यार मेरी एज 25 साल है और गवर्नमेंट दे रही है खर्चा तो क्यों नहीं जाओगे भैया, हर कोई जाएगा, कोई बोलेगा मैं बैंकॉक जाऊंगा, कोई बोलेगा बाली जाऊंगा, मलेशिया जाऊंगा, उससे क्या है बहुत सारे लोगों का तो ये भी बेनिफिट हो जाएगा, जिनको आउट ऑफ बड़ी कंट्री निकलना है उनके पासपोर्ट पे स्टाम्प भी शो हो जाएगी, ठीक है, और सेकेंड उनका घूमने का घूमना हो जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और अपने तो अभी सेकंड वेरिएंट है वो बहुत डेंजर चल रहा है। तो साथियों फ्रांस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीज़ा हेल्प चाहिए, किसी प्रकार की कोई नॉलेज चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप 24x7 मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथियों कल जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, नेक्स्ट अपडेट देने वाला हूँ वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, तो आपको बेनिफिट वाली चीज़ है। तो साथियों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट